लगातार कार्रवाई की धमकी के बावजूद भी बिहार के नियोजित शिक्षक डरने वाले नहीं हैं। आज काफी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने बजबते छुट्टी लेकर आकस्मिक अवकाश लेकर कल पटना में पहुंच रहे हैं जानकारों के अनुसार जानकारी जो मिली है विभिन्न जिलों से यह खबर आ रही है कि बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षिकाएं छुट्टी लेकर आकस्मिक अवकाश लेकर पटना के लिए रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है नमस्कार मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगर संवाद दोस्तों कितने आप पटना पहुंच रहे हैं नहीं पहुंचिएगा इसकी आकलन कल सरकार भी करेगी शिक्षा विभाग भी, भी करेगी मीडिया भी करेंगे कल आपके बीच में मैं भी रहूंगा, आपकी संवाद को लोगों तक पहुंचाएंगे, आपकी भीड़ को दिखाएंगे तो बहुत सारे जो जानकारी प्राप्त हो रहे है कि बहुत सारे शिक्षक पटना जाने के लिए बजपते स्कूल से छुट्टी लेकर कमर कसकर तैयार हो गए हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार आज ही बहुत सारे शिक्षक जिनके यहाँ ट्रेन की सुविधा है वह निकल चुके हैं कई शिक्षक जो हैं पटना में आज ही पहुंच गए हैं ठहरे हुए हैं संगठन के साथ में बैठे हुए हैं संगठन के लोग भी नेता नेतृत्वकर्ता भी पटना में जमे बैठे हैं लगातार कल सुबह से ही चाहे जिस रूट से ट्रेन आए हर रूट से उस ट्रेन में बिहार के नियोजित शिक्षक दिखेंगे ऐसी अनुमान है हर रूट से जो वाहनें जाएगी चाहे छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो हर तरफ से नियोजित शिक्षकों की जत्था दिखाई देगी इसलिए मैं कह रहा हूं जिस प्रकार से हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है खबरें मिल रही है उसके आधार पर कह रहे हैं लगातार नियोजित शिक्षक जो हैं वो अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा विभाग भी, भी पीछे नहीं लगातार कार्रवाई की धमकी दे रही है कार्रवाई की पत्र निकाले जा रहे हैं लगातार पत्र पर पत्र पत्र पर, पत्र पर पत्र निकाले जा रहे हैं और जो दस तारीख़ के मसाल जुलूस कार्यक्रम में शामिल हुए उन पर भी कार्रवाई की पत्र निकली है फिर भी शिक्षक जो हैं अब नहीं डर रहे हैं कारण आखिरकार कितने समय तक लोगों को डराते रहिएगा ज़्यादा डराने से वह निडर हो जाता है यही हाल नियोजित शिक्षकों के भी साथ निकल गया है शिक्षकों का कहना है कि डरना किस बात की है जब हमारी नौकरी जाने वाली है जब हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या खड़ा कर दिया गया है तो डरने की क्या ज़रूरत है अपनी फरियाद अपनी बात अपना अधिकार को लेकर आवाज़ उठाएंगे और जो बातें हैं जो फरियाद हैं बिहार के मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयासरत हैं हालांकि अब बिहार सरकार बिल्कुल संतुष्ट हो गई है शांत हो गई है आपको बता दें कि विश्वास मत जीतने के बाद अब सरकार जो है शांत हुई है और शिक्षकों पर ध्यान आएगी आपको बता दें कि इस वीडियो के गिरने के बाद या इससे पहले ही सरकार की ओर से कोई बड़ा बयान नियोजित शिक्षकों को लेकर मिले आज रात रात तक कोई बयान आ सकता है या फिर कल सुबह किसी भी समय सत्ता पक्ष से कोई बड़ी बात आ सकती है आपके लिए कुछ पहल किए जा सकते हैं यह मैं आपको बता दूं हमारे सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की बातों को समझ रही है जान रही है और पहल करने के लिए भी तैयार हो गई है आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है कल विधानसभा सत्र भी चालू रहेगा और शिक्षक पहुँचेंगे सरकार भी अब शिक्षकों की जत्था को देख जानने के लिए व्याकुल है लोगों से जानकारी प्राप्त कर रही है मीडिया कर्मी से जानने की कोशिश कर रही है सत्ता पक्ष के द्वारा उनके सूत्रों के द्वारा यह जानकारी ली जा रही है उनके जो तंत्र हैं उनके माध्यम से लिए जा रहे हैं और यह भी जो है शिक्षा के पटना न पहुँचे इसके लिए हर रूट में रोकने का इंतजाम भी किया जा रहा हो सरकार की ओर से रोका जा सकता है शिक्षक नहीं पहुँचे लेकिन लाख प्रयास के बाद भी शिक्षकों की संख्या वहाँ अच्छी पहुँचने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि बहुत सारे शिक्षक इस चीज़ को जान गए हैं और आज ही रात में वह पटना के लिए कुछ करने वाले हैं यानी कि पटना व रात में भी पहुंच जाएंगे कुछ शिक्षक सुबह पाँच बजे पहुंचेंगे, कुछ सात बजे पहुंचेंगे, कुछ आठ बजे पहुंचेंगे, इसी तरह से ट्रेन से बाई बस से अपनी छोटी वाहन से बड़ी वाहन से शिक्षक पहुंचेंगे। डर खत्म हो गया अब देखना यह होता है कि विभाग इस पर क्या संज्ञान लेती है फिर दोस्तों कह रहे हैं आंदोलन में आप भीड़ लगा दीजिएगा अपनी बातों को उठा दीजिएगा लेकिन सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म भरना है अगर उसमें अगर फिफ्टी परसेंट भी अगर फॉर्म में गिर गया तब तो शिक्षा विभाग सरकार को बता देगी कि यह सब जो शिक्षक जो हैं तैयार हैं या कुछ जो शिक्षक हैं जो शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं शिक्षक नेता दिग्भ्रमित कर रहे हैं इसलिए ध्यान रहे तो इस तरह की भी बातें हो रही है और जिस प्रकार से शिक्षक नेताओं ने अपने शिक्षकों से आह्वान किया है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना है इसकी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए शिक्षकों को शिक्षकों की एक अलग मर्यादा होती है इस मर्यादा से बीतर नहीं होने की ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन है कि सरकार की तरफ से सत्ता की तरफ से शिक्षकों को रोकने का हरदम प्रयास किया जाएगा बिहार के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के द्वारा उनके पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न जिलों से पत्र पर पत्र डराने के लिए शिक्षकों के लिए निकाले जा रहे हैं लेकिन शिक्षक अलबत् वहां जाने के लिए छुट्टी भी ले चुके हैं दोस्तों शिक्षक जो हैं लगातार शिक्षकों को भी बता रहे हैं और या सोशल मीडिया पर भी वो लिखना शुरू कर चुके हैं तो हम आपको बता दें कि हर पंचायत से शिक्षक तैयार है जिसकी सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं कि मैं भी पटना पहुंच रहा हूं जा रहा हूं दोस्तों कल की दृश्य कल की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे और जो शिक्षक वहां पहुंचेंगे उनसे भी हमें मुलाकात होगी अगर हमारे सब्सक्राइबर पटना में मिलें आपसे अगर हम आपके नज़दीक पहुँचे आपके करीब रहें तो जरूर आप हमसे मिलिए बातें कीजिए आपकी भी हम संवाद अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करेंगे आपके इच्छा के अनुसार तो जब भी पटना हम कल पहुँचे कल पटना में हम रहेंगे और आपके आंदोलन स्थल पर गर्दनी बाग में आपके बीच होंगे तो निश्चित तौर पर आप हमसे मिलिए दोस्तों मिलिए तो इस चीज़ से लज्जित मत होइए इससे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि गर्व से आप कहें कि हम आपका सब्सक्राइबर हैं जब हम आपसे पूछें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप बेझिझक हमें कहें कि जरूर देख लीजिए तो दोस्तों कल हम आपके बीच होंगे तो निश्चित तौर पर उस भीड़ में मीडिया वाले बहुत रहेंगे लेकिन हम भी आपके साथ में होंगे और हमने शुरू से ही कहा है कि हर आंदोलन में हर आपके सुख दुख में हम साथ रहे हैं प्रारंभिक दौर से ही आपकी हर समस्या को दिखाने का प्रयास किए थे इसमें भी पीछे नहीं हटेंगे तो जब आप हर सुख दुख में आपके साथ हैं हर तरह की खबरें आपको हम दिखा रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो कल के लिए आज से ही आपको बधाई जीत के करीब आप हैं जीत मिलने वाली है आपकी यात्रा मंगलमय हो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकना चाहूँगा कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल धन्यवाद